हाय दोस्तों, आज की स्टोरी स्कूल से रिलेटेड है और आज आपसे एक ऐसी चीज़ बात करेगी जो अक्सर बात नहीं करती। उसके बारे में सुनते हैं, उसके ख्याल के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहती है, और वो चीज़ है ईमान का बस्ता। इसे लिखा है मज़ार अहमद ने, इलस्ट्रेट किया है 211 स्टूडियो में, और ओरिजिनली ये स्टोरी उर्दू में लिखी गई है और इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है राजेश खार ने। तो सुनते हैं ईमान का बस्ता हमसे क्या कहना चाहती है। ऐसे आपका बस्ते का रंग क्या है और वो कैसे शेप की है? तो आपके बस्ते के बारे में बस याद कीजिए जैसे ये आप कहानी सुनते हो। मैं ईमान का बस्ता हूँ, मैं ईमान किसका साथी हूँ। ईमान सुबह उठती है और स्कूल जाने की तैयारी करती है। ईमान तो बहुत एक्साइटेड है सुबह सुबह उठने के लिए। क्या आप भी कुछ ऐसे ही उठते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए? मैं एक कोने में मौजूद उसकी तैयारी पर नज़र रखता हूँ। मैं मन ही मन खुश होता हूँ कि कुछ ही देर बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगा। ईमान हर सुबह मुझे अपनी पीठ पर लादे स्कूल के लिए निकलती है। उसकी रफ्तार से मेरा दिल बल्लियों उछलता है। मैं मॉम से बाय कह रही और वहाँ दूर में स्कूल बस दिखाई दे रहा है। वो भागते हुए जा रही है और ये रही गली में मैं उसकी पीठ की सवारी करता हूँ और बस में मैं उसकी गोद में होता हूँ। ईमान मुझसे प्यार करती है। ये जिस तरह उसे पकड़ रही है, ईमान अपने बस्ते को लगी रहा है कि वो उसे एकदम करीब रखना चाहती है, बाकियों की तरह नहीं जो नीचे रखे हुए हैं। आप अपना बस्ता कैसे पकड़ते हैं? और अगर बस में या रिक्शा में बैठते हो तो उसे अपने साथ पकड़ते हैं कि अपनी पीठ पीछे रखते हैं? स्कूल के रास्ते पे मुझे और बस्ते भी मिलते हैं। हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं और हंसते गाते हैं। हम उछलते कूदते बच्चों के साथ स्कूल जा पहुंचते हैं। ऐसे लग रहा है मानो बच्चों के साथ साथ स्कूल का बैग का भी स्कूल में अटेंडेंस मार्क किया जाता है कि ईमान का बैग प्रेजेंट, पायल का बैग प्रेजेंट। हाँ, ईमान मेरे अंदर कुछ रंग बिरंगी किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रबड़ और हाँ खाने का डिब्बा भी रखती है। अक्सर यह तमाम चीज़ें उलट पलट जाती है। कितनी रंग बिरंगी चीज़ें हैं उसके बैग के अंदर। ईमान मुझे अपने कंधे पर उठाए उछल कूद करती है, भागती दौड़ती है। मैं हर पल उसका साथ देता हूँ। खाने के डिब्बे से खुशबू आती रहती है। मुझे लगता है ईमान हमेशा एकदम खुश रहती है। स्कूल जाना उसे बहुत पसंद है और ये बाकी दूसरी लड़की भी उसके पीछे एकदम खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। क्या आप आजकल खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं? क्योंकि स्कूल तो बहुत दिन बाद खुली होगी। आधी छुट्टी के वक्त वह मुझे कक्षा में अकेले छोड़ जाती है जब मेरा दिल बहुत घबराता है, मगर मेरे आस पास ईमान की सहेलियाँ के बस्ते भी होते हैं। ऐसे में हम आपस में बातें करते हैं हंसते गाते, मगर मेरा दिल ईमान में ही लगा रहता है। तो बस्ते की आंख वो भी ईमान के तरफ ही है जब वो फुटबॉल पीछे खेल रही है। छुट्टी के वक्त ईमान मेरी काफ़ी दुर्गत बनाती है। छुट्टी की खुशी में सारा सामान मुझ में ठूस कर स्कूल से जल्दी घर पहुंचना चाहती है। उसकी भाग दौड़ और उछल कूद से मेरी सांस फूल जाती है। घर आकर वह मुझे एक कोने में डालकर भूल जाती है और मैं दूर से उसे देखा करता हूँ। सबके साथ हुआ होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। घर आते ही पहली चीज़ क्या करते हैं हम? एकदम बैग लिया, सोफे पे फेंक दिया, बेड पे फेंक दिया और खेलने चले गए, खाने चले गए। और कभी सोचा
बैग को इस बारे में कैसे लगता होगा, बैग क्या सोचता होगा आपके बारे में। जैसे जैसे ईमान बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे मेरा वजन भी बढ़ता जाता है। ईमान मेरे बोझ से दबी जाती है। काश कोई मुझे और ईमान को इस बोझ से आज़ाद करवाए। ये बहुत बड़ी बात बोली है और बहुत सोचने वाली बात है कि जब आप फर्स्ट में होते हो, सेकंड में होते हो, तो बैग लाइट होता है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ता गया, सातवां आठवां कक्षा आप देखोगे बैग एकदम हेवी हो जाता है। और जो खुशी है और जो फ्रीनेस है जिसे आप दौड़ते हो बैग पकड़ के, वो एकदम ऐसे हो जाता है चेहरा, है ना, ऐसे लगता है कि पढ़ाई के बोझ से बच्चे के का भार बढ़ गया, कंधे का भार बढ़ गया और सिर का भार भी बढ़ गया। तो क्या पढ़ने के लिए इतनी सारी किताबें और इतने सारे एग्ज़ाम सीखने के लिए ज़रूरत है? क्या आप ऐसी स्कूल इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे हम बिना बैग के जा सके और सिर्फ अपनी सोच लेकर जा सके? और क्या हम पेन और पेंसिल के अलावा क्या हम दीवार पे कुछ चित्र बना सके, ऐसे कुछ सीख सके? नो स्कूल, बिना स्कूल, बिना बैग के, यू नो, नो स्कूल बैग, ऐसी दुनिया भी हो सकती है। और एग्ज़ाम के बोझ के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि क्या वो ज़रूरी है, एग्ज़ाम ज़रूरी है हमें पूरी तरह सीखने के लिए? और क्या स्कूल हमें वो चीज़ें सिखाता है जो हम आगे ज़िंदगी में उसे यूज़ कर सकते हैं या उसके बारे में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या स्कूल वो सारी चीज़ें सिखाता है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास कराना सिखाता है? ये सारी बातें हैं जो इस कहानी से उठाया जा सकता है। ऑफकोर्स अच्छी अच्छी बातें भी हैं स्कूल बैग के बारे में, और कैसे स्कूल बैग सोचती है और क्या करती है जब आप खेलने जाते हो या पढ़ाई करते हो। पर बड़ी बात है जो आखिरी में कहा है कि काश कोई मुझे और ईमान को इस बोझ से आज़ाद करवाए। क्या स्कूल बैग उतना ही लाइट हो जितना आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो सकते, है ना? क्या स्कूल बैग में आप बुक्स के अलावा और कुछ ले सकते हैं? और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रह सकती है स्कूल बैग में, टॉयस जिससे आप पढ़ सको, सीख सको? तो ये बारे में सोचिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। बाय बाय।